चलिए सो गाइस हेलो टू ऑल ऑफ यू, दिस इज सी ए विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, विच इज अ कॉमन चैप्टर इन पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्स एंड पेपर 7 CA फाइनल, एप्लीकेबल फॉर न्यू कोर्सेस। यस ऑर नो? अच्छा जी, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आप मॉड्यूल खोल के देखेंगे करीब 100 पेजेस इसके ऊपर में लिखे हुए हैं। आप इस रिविजन को करते वक्त मेरे नोट साथ में रख सकते हैं या फिर मॉड्यूल साथ में रख सकते हैं, किसी भी टीचर के नोट साथ में रखिए। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यस ऑर नो? सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज मॉडल टैक्स कन्वेंशन। व्हाट इज मॉडल टैक्स कन्वेंशन? जिस तरीके से हम एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट करते हैं, तो मेमोरेंडम या तो हम ड्राफ्ट कर सकते हैं या तो अडॉप्ट कर सकते हैं। हम ऑफिस में क्या करते हैं, हम चुपचाप जाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, नाम चेंज करते, काम खत्म करते। ठीक उसी तरह दो मॉडल टैक्स कन्वेंशन बनाए गए हैं। आप इन्हें अलग शब्दों में कह सकते हैं ड्राफ्ट ऑफ DTAA। क्या कह सकते हैं बेटा? ड्राफ्ट ऑफ DTAA दो बनाए गए हैं। पहला है OECD, दूसरा है UNMC। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉमर्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है UNMC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो अब हम इसे दो नाम से बुलाएंगे, OECD एंड UNMC। क्या क्या? OECD एंड UNMC। दोनों में फर्क क्या है? इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और तीसरा भी है, USAMC, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मॉडल टैक्स कन्वेंशन। हालांकि वो सिर्फ एप्लीकेबल है जब आप ट्रिटी कर रहे हो US के साथ। क्लियर है? तो एसेंशियली हमारा ये जो टॉपिक है ये दो ही लोगों पे सिमटेगा, या तो OECD या तो UNMC। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको डिफरेंस बताया जाए वेरियस आर्टिकल्स के बीच में कि OECD में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और UNMC में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। OECD में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और UNMC में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और आपका पूरा चैप्टर कंपैरिजन पे ही बेस्ड है। क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूं, OECD और UNMC के बीच का डिफरेंस। OECD सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के लिए अडॉप्ट किया जाता है जो कंट्रीज डेवलप्ड हो। लेट से US और UK के बीच में अगर अग्रीमेंट होगा तो हम लोगों को OECD यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? UNMC हम तब यूज करते हैं व्हेन अग्रीमेंट इज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, OECD के अंदर में 32 आर्टिकल्स है जबकि UNMC के अंदर में 31 आर्टिकल्स है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, OECD रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन फॉलो करता है जबकि UNMC सोर्स बेस्ड टैक्सेशन मेनली फॉलो करता है। इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, मेनली फॉलो करता है। एक एक पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, What do you mean by OECD? OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development. आइए मैं आपको सबसे पहले इसकी हिस्ट्री बता दूं। सबसे पहले ये OECD आया कहां से था, इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिस्कल कमिटी ऑफ लीग्स ऑफ नेशन 1928 के अंदर में इसे फॉर्म किया गया था ताकि एक मॉडल टैक्स कन्वेंशन बनाया जा सके। OECD को पहले OEEC कहा जाता था, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। लेटर ऑन विच वॉज डेवलप्ड एज OECD, इट वॉज डेवलप्ड एज OECD एंड मेनी कंट्रीज वेर एडेड टू दिस कोऑपरेशन। अल्टीमेटली इसकी गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया 2017 के अंदर में। तो आज जो आप पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट गाइडलाइन है OECD 2017। चलिए बात कर लेते हैं UNMC की भी। UNMC कहां से आया था? सर, एक एडहॉक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स डेवलप किया गया था इन द ईयर 1968। यस ऑर नो? इसके बाद इसे कन्वर्ट किया गया UNMC के अंदर में, दैट इज यूनाइटेड नेशंस मॉडल टैक्स कन्वेंशंस के अंदर में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होते रहा और अल्टीमेटली लास्ट डेवलप्ड हुआ 2017 में। तो आज जो आप OECD एंड UNMC गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसका सार शब्द ये है कि ये लेटेस्ट 2017 में रिवाइज की गई है। अच्छा जी, इसके बाद कुल मिलाकर के हमें एक एक आर्टिकल्स पे फोकस करना पड़ता है। सबसे पहले आर्टिकल के अंदर में हम लोग कवर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग कवर करते हैं, हु आर द पर्सन कवर्ड एंड व्हाट आर द टैक्सेस कवर्ड। हु आर द पर्सन कवर्ड, व्हाट आर द टैक्सेस कवर्ड। सर, टैक्सेस आर कवर्ड, तीन तरीके के टैक्सेस कवर्ड है, टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्सेस ऑन कैपिटल एंड टैक्सेस ऑन एलिमेंट ऑफ इनकम एंड कैपिटल। इसे अलग शब्दों में कहना चाहूं, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, सैलरी टू अदर सोर्सेस। इनकम के ऊपर, कैपिटल्स के ऊपर कैपिटल गेन, एंड एलिमेंट ऑफ इनकम के ऊपर, दैट इज इनकम से आपने कुछ इन्वेस्ट करके और इनकम कमाई, एलिमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्सेस के वो कवर्ड है। सर, पर्सन कौन कवर्ड है? दो पर्सन कवर्ड है, पहला रेसिडेंट, दूसरा फिस्कल ट्रांसपेरेंट एंटिटी। क्या क्या? वापस बोलो, रेसिडेंट और दूसरा फिस्कल ट्रांसपेरेंट एंटिटी, जो आगे आर्टिकल्स के अंदर में डिफाइंड है। अच्छा जी, इसके बाद में
हमें सबसे पहली चीज डिफाइन करनी पड़ती है रेसिडेंट। अगर आपको मॉडल टैक्स ट्रीटी कन्वेंशन का बेनिफिट लेना है, हमें रेसिडेंट डिसाइड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आर्टिकल कहता है इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट देन एंड ओनली देन ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ DTAA। यस ऑर नो, ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ DTAA। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं पर्सन कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि वो रेसिडेंट है, जनरली रेसिडेंट डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक टैक्स लॉज। हाउएवर इफ इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन फॉलोइंग रूल्स। पहला, उसका डोमिसाइल के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंट के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर और कोई सिमिलर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप एक जो व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं उसका रेसिडेंशियल एक से ज्यादा जगह पे होगा तो आपको टाई ब्रेकर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? टाई ब्रेकर रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो कहता है कि पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस, टाई ब्रेकर रूल इंडिविजुअल के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले देखा जाता है उसका परमानेंट होम किधर है, फिर देखा जाता है कि हाँ जी यस, उसका वाइटल इंटरेस्ट किधर है, वाइटल इंटरेस्ट के बाद देखा जाता है उसका हैबिचुअल एडॉप किधर है, उसके बाद देखा जाता है उसका परमानेंट होम किधर है, एंड अल्टीमेटली म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। यस और नो, कंपनी के केस में बहुत सिंपल है साहब, कंपनी के केस में यह देखा जाता है उसका पी किधर है, या फिर देखा जाता है उसका पी दोनों जगह पे होगा तो उसका म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप कहाँ है, उसके बेसिस पे उसका रेसिडेंट डिसाइड किया जाता है। फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइटल एंड प्रीएम्बल। जनरली ओईसीडी और यूएनएमसी का टाइटल एंड प्रीएम्बल सेम है, एक्सेप्ट विद अ सिंगल डिफरेंस। ओईसीडी में वर्ड लिखा है टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, यूएनएमसी में लिखा है टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन, बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, यही एक मेजर डिफरेंस था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 ऑफ OECD UNMC। आर्टिकल 1 ऑफ OECD एंड UNMC दोनों भी आइडेंटिकल है, सेम है, कोई नई बात नहीं कर रहे, ये सिंपली बोल रहे हैं ये किसको अप्लाई करेगा। आर्टिकल 1 कहता है कोई भी DTAA रेसिडेंट को अप्लाई करेगा, ही मस्ट बी रेसिडेंट ईदर इन वन कंट्री और बोथ द कंट्रीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 2, कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड है। आर्टिकल 2 कहता है कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड है, सर टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्सेस ऑन कैपिटल, टैक्सेस ऑन बोथ, इन एलिमेंट ऑफ इनकम एंड कैपिटल बोथ कवर्ड है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा मैं क्या बताऊं, राइट, डिफरेंस है, एक जगह वर्ड यूज होता है दैट टैक्सेस आर इम्पोर्ट, दूसरे जगह वर्ड यूज होता है विच टैक्सेस आर इम्पोर्ट, तो इसके अंदर में कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज थर्ड इज डेफिनेशन, आर्टिकल 3 डेफिनेशन की बात करता है। पहला डेफिनेशन ने दिया है पर्सन, पर्सन के अंदर में 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन कवर किए गए हैं, इंडिविजुअल, कंपनी एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। फिर हम ढूंढने निकलते हैं सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन का मतलब है कंपनी, कंपनी मीन्स एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड एन अ कंपनी एंड इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट जैसे उन्होंने बोला तो ऑल कंपनी विच हैज पास्ड बाय द सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट वो भी कवर किया जाता है, हेंस a firm will also be treated as body corporate for the purpose of DTAA. तीसरा डेफिनेशन उन्होंने दिया एंटरप्राइजेस का, एंटरप्राइज का डेफिनेशन सिर्फ OECD ने दिया, UNMC ने नहीं दिया। एंटरप्राइज मतलब कोई भी एंटिटी, कोई भी पर्सन जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा होगा। फिर हम चौथे डेफिनेशन पे चलते हैं, बिजनेस, अगेन सिर्फ OECD ने बोला, UNMC ने नहीं बोला। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन एंड इंक्लूड्स वोकेशन एज वेल, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टैलेंट एज वेल। फिर हमने बात करी थी व्हाट आर द एंटिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, एनी एंटरप्राइजेस व्हिच इज एंगेज्ड इन बिजनेस इन ईदर ऑफ द वन ऑफ द स्टेट विल बी ट्रीटेड एज एंटरप्राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इसके बाद में एक और डिफरेंस आता है, आपको बता दूं, नहीं इस केस में तो कोई ये नहीं है। कंपीटेंट अथॉरिटी, यूएनएमसी ओईसीडी ने दोनों भी एक ही बात कही है कंपीटेंट अथॉरिटी के डेफिनेशन के अंदर में, कि जो अथॉरिटी असाइन की गई है रिस्पेक्टिव लॉस के अंदर में वो। अच्छा जी, देन हम बात करते हैं आर्टिकल 4 रेसिडेंसी। रेसिडेंसी हम पहले ही देख चुके हैं कैसे निकाला जाता है, रेसिडेंसी जनरली डोमासाइल, उसके प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे निकाला जाता है, या तो फिर टाई ब्रेकर रूल अप्लाई करके किया जाता है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 बात करता है बेटा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की। किसके बारे में बात करता है बेटा? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की। इंडिया में हमने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड ना यूज करके
बिजनेस कनेक्शन वर्ड यूज किया है। वापस बोलो, हमने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड ना यूज करके बिजनेस कनेक्शन वर्ड यूज किया है। सो बिजनेस कनेक्शन इज अ मच मोर वाइड डेफिनेशन एज कंपेयर्ड टू परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा जी, स्टिल जनरली परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओईसीडी और यूएनएमसी में जनरली जो डेफिनेशन है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की वो आइडेंटिकल है, विच मींस एन एंटरप्राइज इज कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड देयर इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मेजरली फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और सब्सटैंशियली द फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया। आर्टिकल 5 सबसेक्शन 2 कहता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड होगा कोई भी ब्रांच, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, माइंस एंड अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। आर्टिकल 5 सबसेक्शन 3 हमसे कहता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग साइट का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। सबसेक्शन 3 कहता है बिल्डिंग साइट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। जबकि यूएनएमसी कहता है कि हम इसे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तभी मानेंगे व्हेन इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 6 मंथ। साथ साथ में एक और डिफरेंस है, असेंबलिंग यूनिट को भी ये लोग क्या मानते हैं, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानते हैं, जो ओईसीडी में नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, आर्टिकल 5 एंड सबसेक्शन 4 कहता है व्हाट इज नॉट अ पीई, राइट सर? जनरली अ प्लेस ऑफ डिस्प्ले, डिलीवरी एंड मर्चेंडाइज इज नॉट अ प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। फिर हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि जनरली आर्टिकल 5.1 ने बोला था एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए हम लोग फिलिप्स बेकर का एक बहुत एक्सपर्ट व्यू निकालते हैं, किसी भी चीज को फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जा सकता है अगर उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक हो, पहला स्टेबिलिटी, दूसरा प्रोडक्टिविटी, तीसरा डिपेंडेंसी। क्लियर है मालिक? ओके, इसके बाद में एक और सवाल उठा था वेदर प्रोजेक्ट ऑफिस इज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और नॉट। इसके लिए हमको एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखना पड़ता है, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट देखना पड़ता है अगर आपको याद हो तो, वो है नेशनल पेट्रोलियम कंपनी का। उसके अंदर में कहा गया है अगर प्रोजेक्ट ऑफिस इज यूज्ड जस्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉट एग्जीक्यूशन इट इज नॉट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, इफ इट इज यूज्ड एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन इट इज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। फिर हमने बात करी थी लाइसेंस ऑफिस की, इसमें मल्टीपल केस लॉ थे अगर आपको याद आ रहे हो तो, वेदर लाइसेंस ऑफिस इज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और नॉट। इसमें हमने सबसे पहले यूएई एक्सचेंज प्लस विशाखापट्टनम पोर्ट का केस देखा था, जिसमें कहा गया था अगर वो ऑफिस सिर्फ रेमिटेंस सर्विसेज के लिए एंगेज है तो वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। फिर एक और केस लॉ देखा था जिबॉन कॉर्पोरेशन का केस लॉ कहता था कि बॉस आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू कस्टमर मार्केटिंग एंड अलाइड सर्विसेज में एंगेज्ड है तो हाँ हम उसको लाइसेंस ऑफिस को पीई मान लेंगे। और तीसरा था जीई एनर्जी पार्ट्स का केस जो कहता था कि लाइसेंस ऑफिस अगर कोई एक वन ऑफ द ग्रुप एंटिटी ही है, जहां पे लाइसेंस ऑफिस है वो वन ऑफ द ग्रुप एंटिटी है तो उसे भी क्या माना जाएगा, पीई माना जाएगा। फिर आर्टिकल 7 की बात चल रही थी बिजनेस प्रॉफिट, राइट? बिजनेस प्रॉफिट कहां टैक्स किया जाता है, ओईसीडी कहता है रेसिडेंस में टैक्स करना है, जबकि यूएनएमसी कहता है आप रेसिडेंस में टैक्स कर लो या तो फिर सोर्स पे टैक्स कर लो डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर। इसके बाद अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 11 इंटरेस्ट की बात करता है, इंटरेस्ट कहां टैक्स किया जाता है, जनरली इंटरेस्ट सोर्स स्टेट में टैक्स किया जाता है। हालांकि यूएनएमसी मॉडल ने हमें एक और पावर दिया गया है, अगर आपको याद हो तो यूएनएमसी मॉडल हमें एक और बोलता है कि आप इसे सोर्स पे भी टैक्स कर सकते हो, रेसिडेंस पे भी टैक्स कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके बायलैटरल अग्रीमेंट के ऊपर। लेकिन यहां पे उन्होंने एक और चीज कही है कि बॉस इसके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए, आप कितना इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए, जहां मैंने आपको बताया था ट्रांसफर प्राइसिंग का एक सेक्शन है, सेक्शन 94A आएगा जो बात करता है थिन कैपिटलाइजेशन की, कि मैक्सिमम इंटरेस्ट आप कितना दे पाएंगे। फिर हम लोगों ने बात करी थी रॉयल्टी की, यहां पे थोड़े बहुत डेफिनेशंस में डिफरेंसेस है। ओईसीडी कहता है रॉयल्टी में रेंटल ऑफ फिल्म्स, टेप्स, अदर चीजें इंक्लूड नहीं होती। कमर्शियल प्रीमाइसेस दैट इज इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट रॉयल्टी में नहीं आता, जबकि यूएनएमसी कहता है रेंटल ऑफ फिल्म्स, टेप्स विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी एंड द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी। इसके अलावा सोर्स स्टेट टैक्स कर सकता है एज पर ओईसीडी,
एंड सोर्स या रेसिडेंस कोई भी टैक्स कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन बायलैटरल नेगोशिएशन एज पर यूएनएमसी। फिर हमने बात करी थी एफटीएस, एफटीएस के बारे में ओईसीडी कुछ कहता ही नहीं, यूएनएमसी कहता है बायलैटरल नेगोशिएशन के साथ डील कर लेना, राइट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 13 ऑफ द कैपिटल गेन। आर्टिकल 13 ऑफ द कैपिटल गेन किस बारे में बात करता है, दोनों भी टेक्निकली एलिनिएशन ऑफ असेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन यूएनएमसी बोलता है कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी तभी आएगी व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और द प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। इसके बाद हम लोगों ने प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करी थी, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज ओईसीडी में स्पेसिफिकली डील नहीं होता, आर्टिकल 7 से डील होता है। यूएनएमसी स्पेसिफिकली डील करता है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज को सोर्स या रेसिडेंसी बेसिस पर टैक्स करने का एज पर बायलैटरल नेगोशिएशन। अदर इनकम टैक्स की जा सकती है, आर्टिकल 21 पावर देता है। आर्टिकल 23A एंड 23B बात करता है एग्जम्पशन मेथड एंड टैक्स क्रेडिट मेथड की डीटीडब्ल्यूए में बेनिफिट देने की। आर्टिकल 24 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज होना चाहिए कि जितने बेनिफिट रेसिडेंट को अवेलेबल है उतने ही बेनिफिट नॉन रेसिडेंट को भी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक उसी तरह आर्टिकल 25 द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर कहता है कि बॉस अगर आप किसी भी डीटीडब्ल्यूए के अंदर में फंस जाए तो अल्टीमेटली बैठ कर सेटल कर सकते हैं बाय अ म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 26 हमें बात करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की, जिसके तहत कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सकती है बाय एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट ईदर डीटीडब्ल्यूए और टीआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कैन नॉट बी डिस्क्लोज अनलेस एंड अंटिल अ रिटन कंफर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टीज। दिस वॉज अ क्विक इनसाइट ऑफ द चैप्टर मॉडल टैक्स कन्वेंशन। स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच। हो गया।